होते हैं और वो चेंजेस कैसे होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि पर्वत निर्माणकारी शक्तियां होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जिन्हें कहते हैं, और इसे इनर फोर्सेस भी कहते हैं। आपकी बुक में इसे एंडोजेनिक फोर्स कहा गया है, और ये पृथ्वी पर कुछ बनाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये शंकुकार आकृति बनी हुई है, इसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। ये पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, जिसे आप भूपट्टी के अंदर वाला हिस्सा कहते हैं, और सियाल का हिस्सा आता है। इसमें सारी चीजें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा कभी भी धक्का मारता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी में अंदर ऐसे तीन परतें पाई जाती है, और इन तीन परतों में जहाँ कहीं भी भूपट्टी और क्रस्ट कमजोर होती है, तो ये जो लहरें या तरंगे सिस्मिक वेव्स हैं, वो इसमें धक्का मारकर बाहर की ओर फूट पड़ती है, और जहाँ ये परतें मोटी होती है वहाँ सिर्फ ये धक्का देकर वापस चली जाती है। तो यहाँ जहाँ धक्का देकर वापस चली जाएगी वहाँ भूकंप आएगा, और जहाँ पर फूट कर बाहर आएगी वहाँ ज्वालामुखी होगा। तो यही ज्वालामुखी आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसको हम, ये जो नली देख रहे हैं, इसको कहते हैं निकाश नली। इससे मैग्मा बहुत तेजी से बाहर आता है, और बाहर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है। जैसे ही मैग्मा बाहर आ जाता है ऐसे छिद्र से, इसीलिए इसको ज्वाला कहते हैं, ज्वालामुख। ज्वालामुखी होता है आग, ज्वालामुखी क्या होता है, आग। इससे बहुत तेजी से अग्नि जैसे निकलती है, और ये आग क्या होता है, स्पेशली इसमें से धुआं, धूल, राख, शिलाखंड, ये सब चीजें तेजी से एक बड़ा छेद कैविटी खुल जाता है और उससे बाहर निकलने लगता है। साथ साथ में बाहर निकल के ये ठंडा होने लगता है, और जैसे ये ठंडा होता है तो चूंकि अंदर से निकलता है इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, और ये ठंडा होकर काला जल बन जाता है। इसको जैसे ही बाहर आता है इसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। जो बाहर की ओर ठंडा होकर के चट्टानें बनती हैं उसे हम बहिर्वेधी शैल कहते हैं, जिसका उदाहरण है आपका बेसाल्ट। इसी तरह से जब लावा अंदर ही, या जिसे मैग्मा कहते हैं अंदर रहते हुए, जब ये नदियों में ठंडा होकर जम जाता है तो इसे अंतर्वेधी आग्नेयशिला कहते हैं, जिसका उदाहरण ग्रेनाइट है। तो इस तरह से एक शंकुआकार आकृति बन जाती है, इसे हम पर्वत कहते हैं, और इसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये शंकु आकार में नहीं बन करके पठार की आकृति में इस तरह बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ब्रांच होती है, दरारें होती हैं, ऐसे क्रैकिंग्स हो जाती हैं, और उससे पतला लावा निकलता है और वो मैदान का निर्माण करता है। तो इस तरह आपने देखा कि ज्वालामुखी या मैग्मा, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो निकलता है वो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। ज्वालामुखी जब फूटता है तो पर्वत का भी निर्माण करता है, पठार का भी निर्माण करता है, और मैदान का भी निर्माण करता है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।